हेलो बच्चों, मैं संतोष सर। हम लोग 10th क्लास के आए कार्बन इट्स कंपाउंड में बेसिक चीज़ें मैंने उस दिन पढ़ा दिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमन क्लेचर, जिसे आप लोग IUPAC भी कहते हैं। आप तो आपके लेवल में अक्सर आ सकता है बच्चों, IPAC का फुल फॉर्म क्या होगा, IPAC का पूरा नाम क्या होगा, तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अक्सर बच्चों 10th के लेवल में 5 से करीब 7 फंक्शनल ग्रुप हैं जो अक्सर IPC आती है। आज हम लोग IPC क्लियर कर लेंगे कि 10th के बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस दिन हमने आपको बेसिक चीज़ें पढ़ा दिया बच्चों, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का ही दूसरा नाम क्या था, एल्केन। उसके बाद अनसैचुरेटेड इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एल्कीन एंड एल्काइन। अब इस IPAC पढ़ने से पहले बच्चों 1-2 चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, एल्काइल ग्रुप, जो हिंदी मीडियम वाले एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो एल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट किया जाता है वो याद रखिए, कैपिटल आर। कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैपिटल आर लिखा हो बच्चों तो उसे आप क्या बोलोगे, एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म होता है वो आप लोग सीखेंगे। तो एल्केन मैंने उस पिछले टर्न पे बच्चों पढ़ा दिया कि एल्केन से अगर 1H लेस कर दें, तो एल्केन से 1H कम कर दें तो उस ग्रुप को हम लोग एल्काइल या हिंदी मीडियम वाले बच्चे एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो एल्काइल या एल्किल दोनों मीनिंग दैट इज कॉल्ड सेम थिंग्स, ओनली द डिफरेंस ऑफ प्रोनंसिएशन। अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, तो एल्केन का अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, CH4, जिसका नाम क्या है, मीथेन। अब इसमें से 1H अगर हम लोग बच्चों कम कर दें तो ये हो जाएगा आपका CH3। तो ये जो N की स्पेलिंग है, इसके स्थान पर आप क्या यूज करेंगे, YL, मिथाइल। तो मीथेन से मिथाइल। अगर एक और एग्जांपल देख लीजिए, C2H6, उससे 1H कम कर दे बच्चों तो C2H5, तो इसका नाम क्या था, ईथेन। और उससे 1H कम हो गया बच्चों तो इथाइल। तो अब अगर आपसे पूछे एल्काइल ग्रुप क्या है, तो एल्केन से 1H कम करने पे जो ग्रुप फाइंड होता है दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप डिनोटेड बाय द कैपिटल आर, एज एग्जांपल जैसे CH4 मीथेन, मीथेन से 1H कम कर दिया मिथाइल, इथेन से 1H कम कर दिया इथाइल। इसी तरीके से आप आगे भी जा सकते हैं, प्रोपेन से 1H कम कर दीजिए प्रोपाइल, ब्यूटेन से 1H कम कर दीजिए ब्यूटाइल। लेकिन आपके लेवल में बच्चों ये 2 अक्सर आते हैं, तो कभी भी आ रहा है तो क्योंकि आप लोग बोलिए क्या एल्काइल ग्रुप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एल्काइल ग्रुप का एग्जांपल दीजिए, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि CH4 याद रहता है, मीथेन होता है, वहाँ से 1H कम करके बोलना होगा। तो अगर कोई कहता है R के स्थान पे क्या आएगा, तो आप क्या बोलिएगा, CH3, C2H5। और 2 ही क्वेश्चन अक्सर आते हैं, मिथाइल या इथाइल। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो इसका जनरल फार्मूला देख लीजिए बच्चों, जनरल फार्मूला, क्योंकि उससे पहले आप एल्केन में देख चुके, एल्कीन में देख चुके, एल्काइन में देख चुके, अब क्या आएगा, एल्काइल। तो अगर आपको एल्केन याद हो तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। अब यहाँ पे अगर आप मैथ लगाए तो इसमें से 1 हमने कम कर दिया बच्चों, जब 2 में से 1 कम कर दोगे तो यहाँ से हो जाएगा CnH2n+1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CnH2n+1, ये इसका हो गया जनरल फार्मूला। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्काइल का जनरल फार्मूला क्या है, तो CnH2n+1। अब याद करने का तरीका, यहाँ से 1 लेस कर दीजिएगा।
अब अगर ये फार्मूला हमारा सही है कि गलत, उसको कन्फर्म करना चाहते हो, तो एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। तो यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना यूज़ किया बच्चों? वन। तो यहाँ पे वन अपने मन में आप रख लीजिए, फिर वहाँ यहाँ भी वन रखोगे, टू वन ज़ा टू और वन थ्री। इट इज़ प्रूव्ड फ्रॉम दिस जनरल फार्मूला। अगर इस पर अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पे एन क्या है? कार्बन की संख्या कितनी है? टू। यहाँ भी क्या है? टू, तो टू टू ज़ा फोर और वन फाइव। तो इस तरीके से यहाँ पे एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड बातें जानना ज़रूरी था। अब हम लोग आईपीएसी पढ़ने से पहले बच्चों, नामन क्लेचर पढ़ने से पहले क्या क्लियर करेंगे एक चीज़ और बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, कभी कभी टेंथ में फंक्शनल ग्रुप के डिफिनेशन भी आ जाता है। जैसे हमने कहा फंक्शनल ग्रुप हिंदी मीडियम वाले क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। कई बार आप अनसॉल्व के सेट प्रैक्टिस करिए तो फंक्शनल ग्रुप आया। जैसे मैंने यहाँ लिखा सी सी, आपने कहा अरे पता नहीं क्या सी सी लिखा है आपने। अगर यहाँ पे बच्चों हमने लगा दिया एक्स, एक्स का मतलब होता है हैलोजन, ठीक है। हैलोजन में कौन आता है? अक्सर आप देखते होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे एक्स का मतलब हैलोजन। पीरियाडिक टेबल में 17 ग्रुप का मेंबर है हैलोजन। तो आपने कहा रे सर एक्स से आपने पहचान लिया कि आप किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस ग्रुप का कंपाउंड आ गया, हैलोजन ग्रुप का। तो पहचान बच्चों किससे हुआ? एक्स से। या दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लो सी सी, अब हमने उसके आगे लिख दिया ओ एच। तो यहाँ हुआ कि अरे सर ओ एच आ गया, एल्कोहल आ गया। क्या आ गया? एल्कोहल। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस ग्रुप से, चाहे एटम हो और चाहे ग्रुप ऑफ एटम, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, हिंदी मीडियम बच्चे कहते हैं परमाणु या परमाणुओं के समूह से उसकी पहचान होती है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एल्कोहल। हाँ थोड़ा सा और क्लियर कर ले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आप लोग पहला दूसरा लेसन जब आप पढ़े होंगे, जैसे आता है NaOH, तो यहाँ पे आपकी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई। वहाँ पे OH को बच्चों कहा जाता है हाइड्रोक्साइड, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो इस तरीके से यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप, हिंदी मीडियम क्रियात्मक समूह, यहाँ पे OH जो है आपका क्या है? एल्कोहल है। तो फंक्शनल ग्रुप पहचानने के बाद बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, IUPAC, जिसे हम लोग नॉमन क्लेचर कहते हैं। तो आपके कोर्स में बच्चों पहला फंक्शनल ग्रुप हम ला रहे हैं एल्कोहल। तो इस तरीके से आप पढ़िए कि एल्कोहल में कभी गड़बड़ी ना आए। तो एल्कोहल का सिंबल अभी डिस्कस कर रहे थे बच्चों, OH नॉट माइनस है, सिंगल बॉन्ड है, इसके आगे कोई आ करके जुड़ेगा। तो एल्कोहल का सिंबल क्या हो गया? OH। अब एल्कोहल में आपको याद रखना है बच्चों इसमें क्या ऐड किया जाएगा वो याद रखिएगा, ऑल, बहुत ध्यान से ऑल है, अल नहीं पढ़ना है, ऑल। तो एल्कोहल में क्या ऐड होगा वो याद रखिएगा, ऑल। अब जैसे इसकी आईपीसी कैसे लिखी जाएगी? एल्केन, एल्केन पे ही डिपेंड है, यानी इसीलिए कहते हैं कि आईपीसी के पेरेंट कौन है, कौन है? एल्केन। तो एल्केन पे डिपेंड होती है आईपीसी। तो एल्केन में अगर हम लोग क्या जोड़ दें? ऑल। तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों एल्केनॉल। तो इस तरीके से हम एक फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर दिए एल्कोहल। तो एल्केन में बच्चों अगर हम लोग ओएल जोड़ दें तो ये हो जाएगा एल्केनॉल। जैसे कोई एग्जांपल कोशिश करते हैं आप ही की लेबल का, तो यहाँ पे OH लगा हुआ है और ये जो सिंगल बॉन्ड है बच्चों नॉट माइनस है, उसके आगे एल्काइल ग्रुप आ गया। इसीलिए देखो हमने कहा कि एल्काइल ग्रुप का आना बहुत ज़रूरी था। तो एल्काइल में फर्स्ट मेंबर क्या आ गया? मिथाइल। तो ये मिथाइल हो गया, OH लगा हुआ है, मिथाइल एल्कोहल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नाम मिथाइल एल्कोहल है, लेकिन हम लोग बच्चों क्या सीखने आए हैं? इसकी आईपीसी या नॉमन क्लेचर। अब आप चाहे यहाँ से सीख लीजिए या दोनों मिला करके। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है? एक। तो एक को हम लोग बोलते हैं मिथ। एल का मतलब हुआ बच्चों अगर एक कार्बन है तो मिथ, और दो कार्बन है तो एथ। आगे क्या लिखा है? एन। तो एन यहाँ पे जुड़ गया, मेथेन। अब जान करके हम ई ऐड नहीं करना बच्चों, अगर उसके आगे हमें कुछ चीज़ जोड़नी है
तो इसलिए वहां पे ई नहीं लिखोगे। तो उसी मेथेन में क्या जुड़ जाएगा, ऑल, तो हो जाएगा मिथेनॉल। तो मिथाइल एल्कोहल की आईपीसी क्या हो गई, मिथेनॉल। ऐसे हम लोग दूसरे कार्बन का लेकर के आते हैं, CH3 CH2 OH, या आप इसी को OR करके ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5OH। एक दो ऐड करिए, दो हो गया और 3 2 5, इसमें कितने कार्बन बच्चों, दो, दोनों एक ही चीज़ है, एथेनॉल। तो यहाँ से आप क्या सीखे बच्चों कि अगर एक कार्बन का है तो मिथेनॉल, दो कार्बन का है तो इथेनॉल, अगर तीन का आ जाए तो प्रोपेनॉल, चार का आ जाए तो ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरीके से आप आईपीसी लिख सकते हैं। तो तुम्हारे लेवल में बच्चों अक्सर इसी तरीके से, कभी कभी क्या होता है कि इसका और स्ट्रक्चर, जैसे ये दोनों चीज़ें हैं, इसको हम और तरीके से इसको लिख सकते हैं, जैसे ये सी है, CH3, ये आपका हो गया OH। तो किसी भी स्ट्रक्चर में आ जाए तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप क्या पहचानिए बच्चों, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अच्छा OH है तो एल्कोहल है, एल्कोहल में क्या ऐड होगा, ऑल। अब इसके कार्बन गिन लो, दो कार्बन एथेन और उसमें क्या जोड़ दो, ऑल, एथेनॉल। तो इस तरीके से हमने आपको एल्कोहल के सबसे ईजी वे में और दो एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन दिया। अगर इसको आप और एग्जाम्पल बढ़ाना चाहते हैं, जैसे तीन का आ गया, अब थोड़ा सा लेंदी करते हैं, अगर तीन का आ गया बच्चों, ये हो गया। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि इसका नंबर भी अगर डालना चाहते हो, नंबरिंग करके आईपीसी, तो एक या दो से ज़्यादा अगर आने लगे तो आप नंबर भी डाल सकते हो। तो नंबर का क्या रूल है बच्चों, जिधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा उधर ही से स्टार्टिंग करेंगे। तो इधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ तो 1 2 3, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उधर ही से आप नंबरिंग करेंगे। तो तीन को बच्चों आप बोलोगे प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन, एल्कोहल में क्या जोड़ा जाता है, ऑल। तो ये ध्यान दीजिए OH किस नंबर से जुड़ा, वन से, तो वन हो जाएगा, तो प्रोपेन वन ऑल। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा देते हैं, CH2OH, जैसे अगर कुछ ICSE बोर्ड के बच्चे होंगे तो ये इनके में आ चुका है क्वेश्चन। अब ये क्या है OH, इसको देखो बहुत बच्चों को टफ लगता है, कितने कार्बन है बच्चों, दो, दो को क्या कहोगे एथ, वहाँ क्या लिख दोगे एन, एथेन हो गया। अब एल्कोहल में क्या जोड़ा जाता है, ऑल, लेकिन बच्चों कितनी बार जुड़ा हुआ है, दो बार, तो डाई, ऑल से पहले क्या लगा दिया, डाई। अब किस नंबर पर जुड़ा है, ये OH दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसके आगे आप लगा देंगे 1,2-diol, तो एथेन 1,2-diol। इसी तरीके से और एक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, CH2OH CHOH CH2OH, अब इसी पैटर्न पे इसका जवाब दे सकते हैं, ये बहुत फेमस है, इसका ग्लिसरीन नाम है जिसे ग्लिसरॉल कहते हो, इसकी आईपीसी 1 2 3, तीन कार्बन को बच्चों प्रोपेन, प्रोपेन ई नहीं जोड़ना है क्योंकि आगे कुछ लगाना है। तो अब आप देखिए OH को आल बोलते हो, तीन बार है बच्चों, तो ट्राई ऑल, और गिनती हो जाएगी 1 2 3, वन पे जुड़ा 2 3, तो 1 2 3 ट्राई ऑल। इस तरीके से आप एल्कोहल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा बच्चों हम लोग फंक्शनल ग्रुप लाते हैं, दूसरा एल्कोहल के बाद लाते हैं बच्चों एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का सिंबल होता है बच्चों CHO, इसकी एक डिजाइन ये भी हो सकता CHO, तो किसी भी डिजाइन में हो आप उसको बस पहचान लो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का सिंबल क्या हो गया CHO। अब इसमें क्या जुड़ता है आप याद रखेंगे AL, अल, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वहां पे OL और यहां पे क्या लिखना AL, तो उसका प्रोनाउंसिएशन आप क्या करेंगे ऑल, और इसका क्या करेंगे अल, तो एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में भी हम लोग वहीं से फार्मूला चलते हैं, एल्केन
एल्केन में क्या जोड़ना है, एल, तो इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो एल्के नल क्या हो जाएगा, एल्के नल। अब इसमें कार्बन पहले से प्रेजेंट है बच्चों, तो यहाँ पे एच लगाने से भी कंपाउंड बन जाएगा। इस एच लगाने से इसका एक फेमस नाम हो गया, अभी आईपीसी नहीं है बच्चों, फॉर्मल, बहुत पूछा जाता है फॉर्मल्डिहाइड, या ऐसे पूछा जा सकता है एक कार्बन का एल्डिहाइड बताओ तो क्या बताना, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन हम लोग बच्चों क्या पढ़ने आए हैं, आईपीसी पढ़ने आए हैं, नॉमनक्लेचर पढ़ने आए हैं, तो यहाँ पे आईपीसी कैसे पढ़ेंगे, कितने कार्बन हैं, इसी जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया इसी बेस पे आप चलोगे इसका आंसर आ जाएगा। तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं बच्चों मिथ, एल का मतलब हो गया मिथ, यहाँ क्या लिखा है एन, एन हो गया, और इसमें क्या ऐड होगा एल, मिथेनल। तो ध्यान दीजिएगा पीछे वाला मिथेनॉल था और ये क्या है मिथेनल। तो ये अब इसी को बच्चों डिजाइन बना देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये देखिए एच सी एच ओ, तो ऐसे डिजाइन बना के अगर पूछ ले कंफ्यूज कर दे तो आप ऐसे एक में इसको लपेट लो कि एच सी एच ओ, अच्छा तुम सी एच ओ हो, तुम एल्डिहाइड हो, तो एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है बच्चों एल। अब इसका बड़ा भाई जैसे एक कार्बन का हो गया, तो अब हम लोग दो कार्बन का लाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एच के स्थान पे हम क्या ला देंगे सी एस थ्री। तो तुम्हारे लेबल में चाहे हम एल्कोहल पढ़ाएं बच्चों, चाहे एल्डिहाइड, चाहे कीटोन, चाहे आगे और कार्बोक्सिलिक, तो दो एग्जाम्पल हर कंपाउंड के, हर फंक्शनल ग्रुप के दो दो कंपाउंड, जैसे एल्कोहल में दो, वैसे इसमें भी दो कंपाउंड बहुत ज़रूरी है। हमने देखा आपकी लेबल में बच्चों इन्हीं दोनों में से अक्सर नॉमनक्लेचर या आईयूपीएसी आ जाती है। अब यहाँ पे इसका भी फेमस नाम है बच्चों, नोट कर लीजिए, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। अब इसमें कितने कार्बन हैं, दो, तो दो से क्या हो गया एल का मतलब बच्चों एथ हो गया, फिर वही लाइन ले आएंगे एन, और इसमें क्या जोड़ देंगे इथेनल। इसका भी अगर हम स्ट्रक्चर बना दें, देखिए तो स्ट्रक्चर से आप ना डरिए बच्चों, जैसे सी एस थ्री सी एच ओ है डिजाइन बना हुआ, अरे इसको एक में लपेटो आप, सी एच ओ है तो क्या है एल्डिहाइड है, कार्बन कितने हैं, हमने पहले कहा कि कार्बन और एल्केन ही इसके पेरेंट्स हैं, तो दो कार्बन है, दो कार्बन से इथेन हो गया, फंक्शनल ग्रुप आप पहचान लीजिए कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या जुड़ेगा एल। तो ये दो एग्जाम्पल आपके लेबल का आ गया। अब इसको हम और थोड़ा सा, अब जैसे एक कार्बन का मिथेनल, दो का इथेनल हो गया, तो तीन का अगर होता तो प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, जरा तीन का देख लीजिए नंबर सहित, सी एस थ्री सी एस टू सी एच ओ, तीन कार्बन बच्चों। एक चीज बहुत बच्चे गलती करते हैं, नंबर जैसे इसका डालना है तो 1 2 3, पहली बात तो नंबर किसके ऊपर डाला जाता है बच्चों, कार्बन के ऊपर नंबर डाला जाता है। और यहाँ बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कहते सर एक दो, दो कार्बन, तो आज एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, जिसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है बच्चों, जैसे इसके फंक्शनल ग्रुप में क्या है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, कभी तो यही आ जाएगा, ये फार्मूला लिखा होगा, पूछेगा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या है सी एच ओ, सर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी जैसे इससे पहले आप एल्कोहल पढ़े, तो एल्कोहल में क्या होता है OH, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों इसमें कार्बन नहीं है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जिसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उसका कार्बन काउंट किया जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। तो यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे बच्चों 1 2 हो जाएगा, जबकि रूल क्या कह रहा है कि जिसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उसका कार्बन काउंट होता है, छोड़ा नहीं जाता है। अब इसकी आईपीसी क्या होगी बच्चों, तीन कार्बन, तो इतना तो आप लोग याद ही कर डाले होंगे, एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, तीन है तो बच्चों प्रोप, तो ये प्रोप हो गया, और उसमें क्या जोड़ देंगे आप एन, तो ये हो गया प्रोपेन। अब ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में क्या जुड़ेगा अल, तो किस नंबर पे बच्चों 1, तो 1 है, दोनों के बीच में डैश, और एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है एल, तो प्रोपेन 1 अल। इस तरीके से इसकी आईपीसी, आप एक थोड़ा सा देखिए आईपीसी को हम थोड़ा सा टफ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सी एच ओ दे दिया, ये आईपीसी अगर दे दिया गया तो अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है बच्चों चाहे लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं चाहे राइट से, नहीं,
जब हम फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ बच्चों है, सी एच ओ, तो आपको यहाँ से काउंटिंग करना पड़ेगा, वन टू, चाहे आप इधर भी मुड़ सकते हो, चाहे ये थोड़ा सा टफ है बच्चों, वन टू थ्री, मान लो हम इधर मुड़ गए तो थ्री, तीन कार्बन को बच्चों, तीन को आप क्या बोलोगे, प्रोपेन, प्रोपेन और एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है, अल, तो प्रोपेन वन अल। अब ये बच्चों हमारे कब्जे में हो गया, तो ये CH3 चिल्लाने लगा, रे मेरा नाम, तो हमने क्या कहा, पेशेंस रखो, अभी नंबर आ रहा। तो ये जो CH3 है, रूल के अकॉर्डिंग बच्चों जो चीज़ बच जाती है वो मेन वर्ड से पहले लगता है, और जो पहले लगेगा उसे बोलते प्रीफिक्स, प्री माने पहले, फिक्स माने जुड़ जाए। तो इससे पहले ये CH3 है, और CH3 का नाम मैंने क्या सिखाया, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और किस नंबर से अटैच है बच्चों, टू से, तो इसकी IPC हो जाएगी 2-methyl-propane-1-al। तो इस तरीके से हमने बच्चों आपको क्या दूसरा फंक्शनल ग्रुप एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, एल्डिहाइड। अब आते हैं हम लोग कीटोन पे, तीसरा फंक्शनल ग्रुप है आपका बच्चों कीटोन। अब कीटोन का सिंबल क्या होता है, CO, ऐसे भी लिख सकते हो, या R करके CO, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, R CO डबल बॉन्ड, किसी भी डिजाइन में हो, मैंने आपके लेबल में देखा अक्सर इस डिजाइन में आ गया है, बच्चे डर गए, अरे CO एक में लपेटो, CO ए भी CO है, क्योंकि आप जब स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो कार्बन जानते हो 4 से सेटिस्फाइड होता है, 1, 2, 3, 4, ऑक्सीजन कितने से, 2 से, तो 2 से जुड़ा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब उसकी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड से वो सेटिस्फाइड होता है, तो हर एलिमेंट को सेटिस्फाइड होना चाहिए। खैर, कीटोन का सिंबल अगर आए तो बच्चों आप क्या बोलोगे, CO। अच्छा, आप कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं CO, RCO, या इसी को बोल सकते हो RCO। तो R अभी हमने बताया था एल्काइल ग्रुप, तो खैर कीटोन का सिंबल CO, CO या इस डिजाइन में, और इन दोनों के तरफ जो बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है वो R रहता है। R अभी अभी हमने आपको IPC पढ़ाने से पहले एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द R, R दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप डिनोटेड बाय द कैपिटल R। अब R पे, अब पहले कीटोन में बच्चों उन लोग सीख लें क्या इसमें ऐड होता है, O यानी वन ना बोलना, ओन, कीटोन में क्या ऐड होता है, ओन, इसकी भी ऐसे बनाते हैं, एल्केन में ओन ऐड कर दीजिए बच्चों, तो एल्केनोन, एल्केनोन, इस बेस पे इसकी क्या लिख सकते हैं आप, IPAC लिख सकते हैं। अब R पे हमने एग्जांपल क्या ले लिया, CH3, ये आप डिजाइन बना सकते हैं COCH3, या सिंपली लैंग्वेज में भी लिख सकते हो ORR CH3 CO CH3, मतलब या तो ऐसे लिखा हो या तो ऐसे लिखा हो, और ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हो बच्चों, तुम्हें डराया जा सकता है कि अरे बहुत टफ है, ये देखिए, यानी हर तरीके से मैंने जो इस एक ही एग्जांपल है बच्चों, देखिए 1, 2, 3 कार्बन, 1, 2, 3 या 1, 2, 3। अब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन से नहीं, हाइड्रोजन केवल बच्चों क्या आता है, इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने आता है, हाइड्रोजन से और कोई मतलब नहीं है। अब इसकी IPC तुम्हें बोलना है, कितने कार्बन है, 3, तो 3 को आप क्या बोलते हैं, प्रोप। रुक जाइए, धीरे से जवाब दीजिए, जल्दबाजी मत करिए जिससे आपका आंसर कभी गलत ना हो। तो 3 कार्बन को आपने बोल दिया प्रोप। अब प्रोप के बाद यहाँ क्या जोड़ देना है, एन। अच्छा, एक बार जब ये एन हमने लिखने लगे तो एक बच्चे ने कहा, सर सिंगल बॉन्ड में एन लिखा जाता है, ये तो हमको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा बिना चश्मे का। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन उस बच्चे ने पूछा। बच्चों ये पॉइंट एकदम नोट कर लेना, जब ये कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होता, किसके बीच बच्चों, कार्बन और कार्बन, तब हम यहाँ पे एन का ध्यान देते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, कार्बन और किसी अदर एलिमेंट के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसको ध्यान नहीं देंगे, हम बिहेवियर कैसा रखेंगे बच्चों, सिंगल बॉन्ड जैसा है, कैसा, सिंगल बॉन्ड। तो इसमें प्रोपेन में हम लोग क्या जोड़ देंगे, ओन, तो इसमें हो गया प्रोपेन नोन, बस।
इसकी स्टार्टिंग बच्चों कीटोन की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग 3 कार्बन से होती है, क्योंकि दोनों तरफ आर आल लाना है और बीच में सी हो। तो कभी आपसे 1 कार्बन 2 कार्बन का अगर कीटोन पूछे तो ढूंढने ना लगो कि अरे 1-2 कार्बन का कीटोन सर ने नहीं बताया, तो उनको बता दो कि इसकी स्टार्टिंग कितने से होती बच्चों, 3 से। अब कुछ बच्चे अगर नंबर भी डालना चाहते तो देखिए दूसरा आंसर इसी का बना देंगे हम, प्रोपेन। अब कीटोन किस नंबर पे, अगर नंबर सहित पढ़ना चाहते हो 1 2 3 तो 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। क्यों 2 लिखा बच्चों, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप 2 पे जुड़ा हुआ। तो ये आपका एक ही, ये आपकी आईपीसी कीटोन में बहुत ज़्यादा आती है। अगर मान लीजिए जिसमें हम थोड़ी सी कार्बन संख्या इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसकी स्टार्टिंग 3 से है, 4 के ले आते हैं बच्चों, तो 4 की क्या हो जाएगी, CH3CO, ये देखिए 1 2 3 4 की बन गई। अब इसमें क्या होगा कि आपको ध्यान देना है, अगर नंबर सहित आईपीसी पढ़नी बच्चों तो किधर से करना, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 चाहे ऊपर नंबर डालिए चाहे इधर 1 2 3 4। अब एक बच्चा कहा सर हम इस साइड से भी नंबर डाल दें 1 2 3 4, नहीं बच्चों, क्योंकि इधर से डालने पे हमारा फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे आ रहा है, 2 पे। अगर हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 तो हमारा फंक्शनल ग्रुप 3 पे आ जाएगा। आईपीसी कहती है कि आपको उस साइड से चलना है जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पड़े यानी पास पड़े, तो इसलिए अगर आप इधर से नंबरिंग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। खैर 4 को कहते हैं ब्यूट, और उसके बाद एन, एन के बाद ये आपका किस नंबर पे है, 2, तो ब्यूटेन 2 ओन। तो कीटोन में मेरे समझ से आपके लेवल में या तो 3 कार्बन का कंपाउंड आ सकता है बच्चों, या 4 कार्बन का, और बहुत ज़्यादा 5 का। तो एक 5 का ले लेते हैं, लो 5 का बन गया। इसमें नंबरिंग आप बच्चों दोनों साइड से कर सकते हो, क्यों, 1 2 3 3 पे आ रहा है, 1 2 3 ये भी 3 पे आ रहा है, इसमें नंबरिंग आप किसी भी साइड से चल सकते हैं। 5 को बच्चों कहते हैं पेंट सिंगल बॉन्ड एन, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, 3 ओन, ठीक। तो 5 को क्या बोला गया, पेंट एन, ई गायब कर दिया जाता है जब उसमें कोई चीज ऐड करते हैं, ओन हो गया, किस नंबर से ओन है, पेंट में, पेंटेन 3 ओन। तो इसमें कीटोन में बच्चों 3 एग्जाम्पल से ज़्यादा कभी भी आपके बोर्ड में, चाहे CBSE हो, चाहे UP हो, और चाहे ICSE हो, तो इस तरीके से हमने 3 फंक्शनल ग्रुप आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग 4th पे आते हैं, 4th आपका है बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक, ये बहुत आता है पेपर में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका सिंबल होता है बच्चों COOH, अगर आप डिजाइन बनाते हैं COOH। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या ऐड होता है, याद कर लीजिए बच्चों, ओइक एसिड, पूरी बात बोलिएगा, ओइक एसिड, खाली ओइक नहीं, ओइक एसिड। अब इसमें भी ऐसे बोलना है एल्केन, और एल्केन में क्या जोड़ देना है, ओइक एसिड। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एल्केनोइक एसिड, इसी बेस पे इसका जवाब दे देंगे। तो यहाँ पे COOH पहले से तैयार है, फिर देखो बच्चों इसमें कार्बन है, तो कार्बन पहले से, तो H लगाने से कंपाउंड बन जाएगा। इसका बहुत फेमस नाम है फॉर्मिक एसिड, आप लोग जानते होंगे फॉर्मिक एसिड। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी बना के, पेपर में बहुत बार आता है ये डिजाइन बना दी गई, तो इस तरीके, अब ये जैसे डिजाइन है, चूँकि आप अब यहाँ इसको बहुत बड़े आप कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पे एक बच्चे ने कहा अरे सर OH आया था पेपर में, हमने गलती कर दिया सर, एल्कोहल मुझे नज़र आ रहा था, तो दूसरा क्या करा रहे, नहीं सर हमें तो कीटोन नजर आ रहा था। अब देखिए अगर एक ही साथ बच्चों तुम्हें एल्कोहल भी नजर आए तो कीटोन भी नजर आए, तो ये भूत प्रेत नहीं आ गया। ऐसे फंक्शनल ग्रुप में अगर कंफ्यूजन आए कि OH भी आ रहा, कीटोन भी सटा हुआ लग रहा है, तो उसको एक में लपेट लेना COOH। तो बच्चों ना ये एल्कोहल है ना ये कीटोन है, ये क्या निकल के आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
और कीटोन की गलती मत करना, कीटोन के लिए बच्चों सीओ अगर है दोनों तरफ आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर, आर माने एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल होना चाहिए, इसलिए किसी कीमत पे कीटोन नहीं है, क्लियर। तो फंक्शनल ग्रुप जरूर, अक्सर बच्चों के पास ये प्रॉब्लम आ जाती है, सर हमने फंक्शनल ग्रुप गलत पहचान लिया, तो OH और कीटोन से सटा होगा तो आप एक में लपेट लीजिएगा तो आपका क्या निकल के आएगा, सी डबल OH, उसमें क्या होगा, ओइक एसिड। चलिए कितने कार्बन है बच्चों, एक, एक को आप बोलोगे मिथ, इसी पे आ गया, आगे एन, एन हो गया, और उसमें क्या जोड़ दोगे, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। उसके बाद इसका दूसरा नंबर, यानी जैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक कार्बन की आर्गेनिक एसिड बताइए, तो आप क्या बोलोगे, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। दूसरा देखिए सी डबल ओ एच, ये भी पेपर में बहुत आया बच्चों, सी एस थ्री, एच के स्थान पे सी एस थ्री लगा दिया, अब इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो सी एस थ्री सी ओ, या एक में इसको आप लपेट सकते हो और स्ट्रक्चर ओपन बना सकते हो बच्चों, ये देखिए सी एस थ्री सी डबल ओ एच, ये इसका बहुत फेमस नाम है एसिटिक एसिड, इसे वेनेगर भी बोलते हैं, वेनेगर हिंदी मीडियम वाले इसे सिरका भी बोलते हैं। इस तरीके से इसकी आईपीएससी बोलनी है तो आप चाहे जिसमें देख लीजिए कितने दो कार्बन है, चाहे उसमें आ जाइए, सब एक ही चीज है, तो दो कार्बन से बच्चों क्या हो गया, एथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, तो एक कार्बन का है तो मिथेनोइक, दो है तो इथेनोइक, तीन हो जाए तो प्रोपेनोइक, आगे एसिड जोड़ दीजिएगा प्रोपेनोइक एसिड, चार आ जाए तो ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से हमने आपको फोर्थ फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ा दिया। उसके बाद आता है बच्चों फिफ्थ नंबर पे हैलोजन, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन का भी हमने कहा था सिंबल बच्चों एक्स होता है, इसको कैसे पढ़ना है, इसमें क्या जोड़ा जाता है, याद रखिए हैलो वाला हैलो नहीं, ठीक है हैलो। अब जैसे हैलो में याद रखना कि बच्चों हैलोजन में क्या है, क्लोरीन है अगर, तो क्लोरीन को क्या बोलना है, याद रखिएगा क्लोरो, ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमो, आयोडीन आ जाए तो आइडो, ये चीज का सेंस है। अब इसको कैसे लिखते हैं आप, हेलो प्लस एल्केन इक्वल टू हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इस बेस पे इसकी आईपीसी देते हैं। अब जैसे हमने एक एग्जांपल दे दिया बच्चों सी एस थ्री सी एल, मिथाइल क्लोराइड बहुत आता है आप में, मिथाइल क्लोराइड, क्या नाम इसका, मिथाइल क्लोराइड, लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं बच्चों आईपीसी, यहाँ क्या लिखा हेलो, तो क्लोरीन को आप बोलोगे हेलो एल्केन, मतलब हुआ कि एक कार्बन, ध्यान दीजिएगा क्लोरीन का सी नहीं काउंट करना है, कार्बन ये है क्लोरीन, तो पूरा सी एल एक एटम है, तो यहां से एक कार्बन है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं मिथ, तो ठीक है। अरे हाँ बच्चों क्लोरीन है तो क्लोरीन पे अब हैलो ना बोल करके, क्लोरीन है तो क्लोरो बोलोगे, क्या बोलोगे क्लोरो, तो क्लोरो और एक कार्बन हो गया मिथ, एल्क पे क्या आ गया मेथ, अब आगे क्या लिख देना एन, तो क्लोरोमेथेन। एक और लीजिए जैसे C2H5, मान लो आपकी चेंज कर दिया Br, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्रोमो, और दो कार्बन है तो क्या हो गया इथेन। अब थोड़ा सा अगर नंबरिंग वगैरह देना चाहते हैं इस टाइप से भी चीजें आ सकती हैं, CH2Cl, अब 1, 2, अब देखिए दो कार्बन को आप क्या बोलोगे इथेन, इथेन हो गया, अब क्योंकि लास्ट में कोई चीज़ जोड़ना नहीं तो हमने ई इंक्रीज कर दिया इथेन। अब क्लोरीन बच्चों दो बार है तो ये ध्यान दीजिए आगे लगता है, तो आगे लग रहा है तो क्लोरीन को हमें क्या बोलना है क्लोरो, अब कितनी बार है बोलो दो बार, तो आगे क्या लगा दोगे डाई, डाई क्लोरो, और किस किस नंबर पे है 1 और 2 पे, तो 1, 2, तो 1, 2 डाई क्लोरो इथेन। और अगर कई थोड़ा सा एक बड़ी चेन आ गई मान लो ब्रोमीन, तो 1, 2, 3, देखिए नंबरिंग
जो है कार्बन के ऊपर करना है। तो यहाँ पे आपकी हो गई थ्री मतलब प्रोपेन, और वन पे ब्रोमीन है तो वन ब्रोमो, वन ब्रोमो। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ नंबर भी हो गया। अब थोड़ा सा एक अगर आते हैं हम लोग डबल बॉन्ड के कंपाउंड में, अगर एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, एल्कीन और एक ट्रिपल बॉन्ड बचेगा। तो एल्कीन, एल्कीन का मतलब हुआ बच्चों डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में क्या जुड़ेगा, ईन। तो यहाँ पे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कुछ करना नहीं है, बस खाली क्या लिख देना है, एल प्लस ईन एल्कीन। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, एथ, बस एथ में क्या जोड़ देना है बोलो, डबल बॉन्ड है तो ई यानी एथीन हो गया। तीन का लाते हैं बच्चों, एक दो तीन प्रोप ईन जोड़ दीजिए बस। चार का मान लीजिए ला दिया। अब एक बच्चे ने कहा नहीं सर हमको नंबरिंग सही सीखना, ठीक है 1 2 3 4 इसकी नंबरिंग सीख लो किधर से। अब इधर से चलने पे दो पे डबल बॉन्ड है, इधर से चलने पे 1 2 2 पे ही, 2 पे इधर से भी डबल बॉन्ड आ रहा, इधर से भी आ रहा, इसका मतलब इसकी नंबरिंग बच्चों दोनों डायरेक्शन से सही है। तो 4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड किस पे आया, 2 पे। तो ध्यान दीजिए ब्यूट के बाद एन नहीं जोड़ना, ये ध्यान देना, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो 2 पे हो जाएगा 2-ईन, ब्यूट 2-ईन। तो डबल बॉन्ड हो गया आपका। इसके बाद एक आखिरी आपका बच रहा क्या, 7 पॉइंट पे एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन में बच्चों आता है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या जुड़ा जाएगा, आइन। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक कंपाउंड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दो कार्बन को हमने क्या कहा, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें क्या जोड़ देना, आइन, एथाइन। एक तीन का बना देते हैं बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, तीन को आप हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन। इसी तरीके से चार की हो जाए तो ब्यूटाइन। अब एक चार की बना लेते हैं CH3, CH3, CH3 मान लो बन गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पे आ रहा, इधर से भी क्या आ रहा, 2 पे जिधर से चलिएगा जिधर से पास पड़े। अब यहाँ 4 को हम क्या बोलेंगे, ब्यूट, ब्यूट। और उसके बाद 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कौन सी गिनती हम लोग यूज करेंगे, 2 और 3 के बीच में है तो कौन सी गिनती छोटी है, 2 वाली, तो ब्यूट 2, आइन आइन, ब्यूट 2 आइन, तो ब्यूट 2 आइन। इस तरीके से बच्चों इस लेक्चर में आपके आपके लेवल का यानी 10th के लेवल का कोई भी बोर्ड का बच्चा हो तो उसके लिए आपको जो आपके फंक्शनल ग्रुप कोर्स में है उसकी मैंने IPC प्रैक्टिस करा दी। आप लोग और IPC प्रैक्टिस करिएगा जिससे आप परफेक्ट हो जाइएगा। थैंक यू, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।